फ्लेमिंग नूडल्स, हाउ टू मेक फ्लेमिंग मैगी, खाते खाते हो पतले। इस तरीके अगर अपनी मैगी को बनाएंगे तो आप हो जाएंगे पतले, देखिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ भी कैसे आप हेल्दी मैगी खा के या हेल्दी नूडल्स खा के अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। इन्हीं के साथ देखिए, हमने एक पैकेट मैगी का लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन आटा नूडल लीजिएगा, जो भी लीजिएगा, जिस कंपनी का लीजिए आटा नूडल लीजिए, चाहे वो आप पतंजलि के ले लीजिए, मैगी के ले लीजिए, टॉप रेमंड के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। कड़ी पत्ता और जो पाउडर उसमें डालते हैं, साथ में हम उसमें कड़ी पत्ता पानी में डाल देंगे। सबसे पहले कड़ी पत्ता और दालचीनी दोनों को हमने पानी में डिप कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो स्वाद है वो इसके बीच में आ जाए। उसके बाद अभी आप जब तक होता था, अब हम जो मैगी है उसको उसके बीच में डाल देंगे 5 से 7 मिनट के बाद। आप इसको आप अच्छी तरह जैसे हम मैगी बनाते हैं वैसे इसे आप इसमें हम थोड़ी सी अदरक और 2 या 3 पीस लहसुन के इसमें डाल देंगे। जिंजर हम जो है अदरक जो ग्राइंड करके डाल देंगे, लहसुन वैसे ही डाल देंगे। जब हम इसको वापस प्लेट में डालेंगे नूडल्स को, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे इसको, ताकि सिर्फ टेस्ट और इसके जो असेंस है उसको लेने के लिए हम इसको डाल देंगे। आप देखिए 2 से 5 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन ये तैयार हो चुका है। देखेंगे आप, ये लहसुन हमने बीच में डाला था और जिंजर जो थी हमने, अदरक जो थी वो हमने ग्राइंड करके डाले थे, वो देखेगी नहीं। ये दालचीनी का पत्ता जो था ये हम निकाल देंगे इन तीनों को, और बाकी जो है वो एक बाउल में लेके सर्व करेंगे। इट्स रियली टेस्टी। देखिए अब ये तैयार हो गया, अब हम इसको बंद कर देंगे और अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप लहसुन को ले सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप प्लेट में इसको अलग निकाल दीजिए, क्योंकि कईयों को खाने में कोई दिक्कत लगती है, उनको टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है। और दालचीनी का ये पत्ता जी अभी हम निकाल देंगे, बाकी बहुत टेस्ट अच्छा लग रहा है, मुंह में माउथ वाटरिंग हो रहा है मेरे, मैं तो लगाऊं इसको खाने। आप भी बनाइए और खाइए, और इसका जो पानी है वो सारा पीजिएगा, क्योंकि ये आप वेट रिडक्शन में आपका बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपको लगता है आप इतना पानी नहीं पी सकते, तो जब मैगी बनाएं या जब नूडल्स बनाएं तो आप इसको पहले निकाल दीजिएगा या पानी को कम रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। आप इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे और ये हमारा हेल्दी मैगी, हेल्दी नूडल्स हो गए तैयार। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये स्लिमिंग मैजिक अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।